निकले तो समाधाने के लिए हैं, निकले तो समाधान के लिए हैं। कितना समाधान करते हैं तो समय बताएगा। अभी तक 17 सालों में समाधान नहीं हुआ है। बिहार को जितना विकास होना चाहिए वो नहीं हुआ। हम लोग भी इसके जिम्मेवार हैं। रघुवंश बाबू ने बिहार को क्या नहीं किया? गांव गांव में सड़क बनाया, जिसकी उपलब्धि माननीय मुख्यमंत्री जी को मिली। बिहार में बिजली का जो सुधार हुआ वो UPA 1 का देन है, और मनमोहन सिंह ने यह काम किया और जिसके चलते बिहार में बिजली का आपूर्ति सही हुआ। और मुख्यमंत्री जी लगे हैं, मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से हम कहेंगे कि इस यात्रा में अफसरों पर लगाम लगाएंगे। प्रखंड से लेकर के सचिवालय तक भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, और कहीं किसान का धान नहीं खरीदा जा रहा है, यूरिया नहीं मिल रहा है, और आप समाधान यात्रा पर निकले हैं। किस समाधान के लिए? इन सब चीजों पर आपको ध्यान देना होगा। बहुत उम्मीद है आपसे, तो आपको इनके तरफ भी ध्यान देना होगा। किसानों की स्थिति आज क्या है? 1600 रुपये क्विंटल धान बिक रहा है, उसका लागत भी नहीं मिल रहा है, तो किसान तो बहुत दुखी हैं। खाद ब्लैक मिल रहा है, उस पर लगाम लगाने की आवश्यकता है। बलवंत सिंह कह रहे हैं केंद्र से खाद ही नहीं मिला। केंद्र के साथ जब थे, इधर भी सर, केंद्र के साथ जब थे तो अभी जो स्थिति है, खाद नेपाल में जा रहा है और बांग्लादेश में जा रहा है। लेकिन एक सवाल यह है कि जब सरकार ये कह रही है कि हम समाधान करेंगे, तो लगता है इस यात्रा से किसानों की समस्या हो या बाकी समस्या हो, उसका समाधान निकलेगा किसानों, क्योंकि इसके पहले भी नीतीश कुमार ने कई यात्राएं की हैं। अगर किसानों की समस्याओं को माननीय मुख्यमंत्री जी हल करते हैं तो बहुत बधाई के पात्र हैं। किसानों की आर्थिक स्थिति कितना दयनीय है, उसके बच्चे को उसी में पढ़ाना है, दवा कराना है, शादी करना है, किस तरह से अपने परिवार को चला रहा है इस गरीबी में। आज बिहार में सबसे अगर गरीब कोई है, मजदूर से भी गरीब कोई है, तो किसान है, और किसान की ओर सरकार का कोई ध्यान नहीं। हम आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ करके निवेदन करेंगे कि किसानों की ओर ध्यान दें और इस समाधान यात्रा में किसानों का समाधान करें। क्या अपना नाम? विधायक जी एक बात, लोहिया ने कहा था कि रोटी और सत्ता को बदलते रहो। रोटी और सत्ता एक तरफ रहेगा, पान सड़ जाएगा, पान रोटी जल जाएगा और सत्ता निरंकुश हो जाएगा। ठीक बात। आज सत्ता निरंकुश है। ठीक बात, सत्ता निरंकुश, निरंकुश है सत्ता तो निरंकुश है, मानना पड़ेगा। महाराज ब्लॉक में चले जाइए, एक भी जिला में चले जाइए, क्या है स्थिति? आप समाधान यात्रा पर जा रहे हैं, एकदम सही बात आप कह रहे हैं। एक वो CEO वीडियो किसी सुनना ना, ना कहीं कुछ थानेदार देह पर का कपड़ा नहीं देख रहा है और पैसा मांग दे रहा है गरीब गुरबंश। इसके जिम्मेवार आप लोग नहीं, आप लोग ज्यादा हैं। ना, हम भी हैं, हम ना कहा, लेकिन असली जिम्मेवार आप हैं। 17 साल रखने वाले आप हैं।